शॉपिंग कर लीजिए, खरीदारी, शॉपिंग कह लीजिए, खरीदारी कह लीजिए, परचेजिंग कह लीजिए, घूम फिर के इसका संबंध आपके और हमारे पैसों से ही है। लेकिन आज इसके साथ हम आपकी किस्मत को भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि हफ्ते के सातों दिन आपको क्या खरीदने से फायदा होगा और क्या खरीदने से नुकसान, यही पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करेंगे बुधवार की। बुधवार को क्या खरीदना शुभ होता है और क्या खरीदना अशुभ साबित हो सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, चलिए मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि बुधवार के दिन क्या खरीदना बहुत शुभ होता है और बुधवार को घर की सजावट से जुड़े सामान खरीदने चाहिए। कला से संबंधित कोई भी वस्तु, किसी भी तरह के खेलकूद का सामान, स्टेशनरी खरीदना बुधवार के दिन अत्यंत शुभकारी होता है। पढ़ने लिखने से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं सब आप बुधवार के दिन खरीद सकते हैं। इसका बहुत ही सकारात्मक असर आपके जीवन पर पड़ेगा। बुधवार के दिन आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए पढ़ने से संबंधित जो भी वस्तुएं खरीदना चाहते हैं उसे बुधवार के दिन खरीदें और बुधवार के दिन ही लाकर के बच्चों को दें। कलम, एक्सरसाइज बुक और बुक्स, ये सारी चीज़ें बुधवार के दिन अगर खरीदी जाएं तो निःसंदेह लाभकारी होंगी। और हाँ, एक बार जान लीजिए कि बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना बहुत ही शुभकारी होती है, इसलिए भगवान गणेश के मूर्ति पर चढ़ाने के लिए पीले वस्त्र, मुकुट और जनेऊ, ये सब बुधवार के दिन अगर संचय किए जाएं तो ये भी आपके भाग्योदय में सहायक होते हैं। बुधवार का दिन बुध ग्रह के प्रभाव वाला होता है, इसलिए इस दिन बर्तन, चावल, दवाइयाँ, ज्वलनशील उत्पाद जैसे लकड़ियाँ, गैस आदि खरीदना अशुभ होता है। बुधवार को एक्वेरियम, आँखों से संबंधित कोई भी सामान, धारदार वस्तु भी नहीं खरीदनी चाहिए। अपने घर में चाकू और कैंची बुधवार के दिन लेकर के नहीं आना चाहिए। इन बातों का अगर ध्यान रखें, देखिए क्या है, हर विषय की पढ़ाई हमारे विद्यालयों में होती है, लेकिन जीवन शास्त्र जो है इसकी पढ़ाई तो घर में ही होती है, और या घर में नहीं होती है तो समाज में होती है। जैसे कोई काम आप कर रहे हैं तो समाज का कोई व्यक्ति टोक देगा, अरे आज बृहस्पतिवार है, साबुन लगा रहे हो, नहीं लगाना चाहिए। अरे आज मंगलवार है, उत्तर दिशा जा रहे हो, दिशा शूल है। तो समाज से बहुत कुछ चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं। अब समस्या इस बात की है कि पहले समाज में 10-20 लोग पूरे दिन में इकट्ठा होकर के आपस में बात विनोद करते थे, अब संस्कृति ये है कि कोई किसी से मिल नहीं रहा है। रास्ता आपको जानना है, गूगल में देख लीजिए, कोई पूछने पे आपको रास्ता बताने वाला नहीं है। शादी आपको चाहिए, शादी.com और तमाम प्रकार के साइट्स पे जाकर के शादी खोज लीजिए, चाहे उसमें धोखा मिले और चाहे आपको ओरिजिनल कुछ मिल जाए। कोई बताने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार बताने वाला नहीं है कि हाँ यहाँ रिश्ता है, यहाँ जाओ। ये ज़रूर कहेंगे करे इतनी देर कर दिया आपने बेटी की शादी में, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि थोड़ा सा परिश्रम करके मैं इनके बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी ढूंढ दूँ। तो कहने का मतलब देखिए ये है कि जैसे बुधवार के दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो बुधवार के दिन सारे शुभ कार्य किए जाते हैं, लेकिन अगर आप पीत वस्त्र, पीला कपड़ा खरीद करके और गणेश जी को बुधवार के दिन अर्पित करें तो इससे आपके जीवन की अधूरी से अधूरी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। जय माँ विंध्यवासिनी।